सो हेलो वंस अगेन, हम शुरुआत करते हैं अब हमारे अगले मेडिकल कॉलेज के बारे में जो है रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज, बरेली में ये सिचुएटेड है। ठीक है, इसकी ट्यूशन फीस की अगर मैं बात करूँ तो इट इज 13,251 रुपीज, और टोटल मिला जुला के 5.5 ईयर्स के कोर्स में 69,11,000 हो जाती है विदाउट इंक्लूडिंग द ऑल इंटरनल एंड ऑल द हिडन चार्जेस। वो सब इंक्लूड करके नहीं बता रहा हूँ मैं, वो सब एक्सक्लूड करके बता रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारा चार्ज लगाते हैं, जैसे बोन सेट का चार्ज लगाते हैं, यूनिफॉर्म का चार्ज लगाते हैं और बुक्स का चार्ज लगाते हैं, तो ऐसे करके 50,000-60,000 रुपीज़ तो और एक्स्ट्रा में निकल जाते हैं। ठीक है, फिर एग्जामिनेशन का अलग चार्ज लगता है जो कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में 50,000 तो लग ही रहा है। तो मतलब ये एक चीज़ है कि मतलब ये हिडन चार्जेस आपको कोई ऐसे मतलब मैं यूट्यूब पर पूरा शेयर कर नहीं सकता, इसलिए बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब कट ऑफ अगर बात की जाए फर्स्ट राउंड में लास्ट ईयर इट वॉज 379 मार्क्स और रैंक थी बच्चे की 2,64,629। ठीक है, सेकेंड राउंड में इंक्रीज करके 517 हो गया था, 92,394 उस बच्चे की रैंक थी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात कर ली जाए तो 250 सीट्स का इंटेक है। कैंपस में बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि सारी अवेलेबल है, स्पोर्ट्स में क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल ग्राउंड, जिम वगैरह, योगा क्लासेस भी होती हैं, ये एक नई चीज देखने को मिली है। ठीक है, दो दो फूड कोर्ट हैं, कैंपस लाइफ अच्छी है, गुड है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो इसका एस्टेब्लिशमेंट भी 2006 में हुआ था, तो काफी पुराना हो चुका है, इस वजह से भी रोहिलखंड को काफी लोग अपनी प्रायोरिटी में रखते हैं। ठीक है, टॉप 10 प्रायोरिटी में तो रख ही लेते हैं लोग बाग, अगर देखिए उनके बजट में बैठ जाता है, पुराना हो चुका है और वो मतलब इतना फीस वीस सब दे सकते हैं तो वो अपनी प्रायोरिटी में रख लेते हैं लोग बाग। ठीक है, सो यहाँ के आउटिंग टाइम की अगर मैं डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, जैसे जो लास्ट ईयर जो 23 बैच एडमिशन लिया था तो वो फ्रेशर्स थे, वो एकदम जूनियर मोस्ट बैच था, तो उन लोगों के लिए सैटरडे और मंडे आउटिंग का वो टाइम दिया गया था, 21 और 22 बैच के लिए ट्यूसडे और थर्सडे, और 19 बैच और 20 बैच जो सीनियर मोस्ट बैचेज हैं उनके लिए वेंसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, हम यहाँ पे एक चीज़ है कि 23 बैच को छोड़ करके बाकी सभी बैचेस के लिए आउटिंग की परमिशन संडे को रहती है। ठीक है, तो अब जब तुम लोग एडमिशन लोगे तो तुम लोगों का जो 24 बैच होगा, मतलब जो जूनियर मोस्ट बैच होगा, तुम लोग फ्रेशर्स रहोगे, इस वजह से तुम लोगों को संडे को छोड़ करके बाकी जो एज अकॉर्डिंग पर द रूल्स उस हिसाब से तुम लोगों को आउटिंग की परमिशन दी जाएगी। ठीक है, हॉलीडेज अगर किसी दिन रहती है तो उस दिन सभी बैचेस को आउटिंग की परमिशन रहती है। पेशेंट लो अच्छा है, 720 बेडेड हॉस्पिटल है। ठीक है, यहाँ पे एसी और नॉन एसी की मैं बात करूं तो यहाँ पे अभी एसी अवेलेबल नहीं है हॉस्टल में, फिलहाल तक नॉन एसी ही अवेलेबल है। ठीक है, एसी हॉस्टल पीजी रेडी हो रहा है, पीजीज के लिए रेडी हो रहा है बेसिकली। ठीक है, यूजी के लिए भी बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको अभी ध्यान रखनी है कि अभी एसी हॉस्टल बना रहे हैं यूजीज और पीजीज के लिए। ठीक है, एकोमोडेशन पर रूम जो है वो 2 स्टूडेंट्स का है, और सिंगल रूम में यदि आपको रहना है तो 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इंटर्नशिप में स्टाइपेंड वही 7,000 से लेकर 12,000 तक है। लॉन्ड्री चार्जेस 10 रुपीज पर क्लोथ है, और यूनिवर्सिटी जो एफिलिएटेड है इस कॉलेज के लिए मतलब बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये अटल बिहारी से एफिलिएटेड नहीं है, ये बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। ठीक, सो दिस वॉज ऑल अबाउट रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड होपफुली आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आगे और भी मैं कॉलेजेस की वीडियो डालने वाला हूँ, सो स्टे कनेक्टेड विद मी। गुड बाय।